अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आज हम न्यू रेसिपी ला रहे हैं गोश्त के पुआ। हम मटन के गोश्त से बनाएंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सल्ट, ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हमारा ग्रीन चिल्ली है और ये हम लोग का है जीरा पाउडर। ये हम लोग मटन को हमने इसे वॉश करके इसे हमने ग्राइंडिंग कर लिया है। ये हमारा चावल का आटा है और ये हमारा ग्रीन चिल्ली पाउडर है और ये हमारा गरम मसाला पाउडर है। सबसे पहले हम इस अनियन को हम इसे ग्राइंडिंग कर लेंगे। अब हम इस पे कोरिएंडर लीफ डालेंगे, कोरिएंडर पत्ता। अब हम इस पे ग्रीन चिल्ली डालेंगे। अब हम इस पे इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। ये हमने ग्राइंडिंग कर लिया है ऑनियन और ग्रीन चिल्ली और धनिया पत्ता का पेस्ट हमने बना लिया है। अब आइए पहले हम मटन के ग्राइंडिंग जो की है हम इस पे डालेंगे। अब हम इस पे सल्ट डालेंगे। हम लोग का अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हम लोग जो अभी हमने पेस्ट किया था ऑनियन, धनिया पत्ता और ग्रीन चिल्ली, इसका हमने पेस्ट किया था, इसे हम डाल देंगे। ये हम लोग का गरम मसाला पाउडर। पहले से हमने ग्रीन चिल्ली दिया है, अब हम हल्का सा रेड चिल्ली देंगे। ये हम लोग का जीरा पाउडर। अब हम इस पे कोरिएंडर लीफ डाल देंगे। हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इस पे चावल के आटा डालेंगे, मिक्स वेल। हम एक हाथ से कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब हम इसे पानी डाल देंगे। अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे, नेस कर लेंगे। अब हम इस पे मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, मिक्स वेल। ये हम लोग ने इसे मैश कर लिया है। अब हम इसे हाफ एन आवर रखेंगे, फिर इसके बाद हम इसे इसका पुआ बनाएंगे। तब तक के लिए हम वेट करेंगे। ये हम लोग का रिफाइंड ऑयल है। अब हम इसे हीट हो जाए फिर हम इसे बनाएंगे। हम इसे इस तरीके से पोहा बनाएंगे। हम लोग का ऑयल हीट हो गया, हमने इसे दोनों हाथ से बनाया है। हम एक हाथ से फोन से यूज कर रहे हैं, एक हाथ से बना नहीं पाए इसलिए हमने फोन इसे हम दोनों हाथ से बनाए हैं। अब हम इसे ऑयल पे डाल देंगे। इसे हम स्लो कुक के बनाएंगे। ये हम लोग का बनके रेडी हो गया।
ये हम लोग का बनकर रेडी हो गया मटन पुआ। हमने इसे गोश्त से बनाया है दोस्तों, इसे आप भी बनाइए और सबको बना के खिलाइए। कैसा बना है देखिए, मटन पुआ बहुत ही टेस्टी बनता है। तो प्लीज हमारे हमारे रेसिपी को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कैसा बना है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।